मन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समूह गुरु नानक नाम लेवा गुरु के सिखां नूं देश ते विदेश दे विच अज दे पवित्र दिहाड़े दी बहुत बहुत बधाई दिना, कामना भी करदा सतगुरु जी कृपा करियो सारिया परिवारां च सुख शांति दे रोगता तंदुरुस्तियां ते नाम दी बख्शिश करियो। साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अज दे पवित्र दिहाड़े ते उन्हां दी ग्वालियर दे किले तों आमद ते इत्थे बाबा बुढ़ा जी दी अगवाई दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे देसी घे दे क्योंकि उदों प्रचलित सी दीपमाला करके सतगुरों का इस धरती ते पहुँचण ते सत्कार किया गया। गुरु नानक देव पातशाह जी ने जदों इस धरती ते प्रकाश धारिया सी ते सतगुरु जी ने सब तो पहली सिख्या इस धरती दे लोकां नूं एक ओहकार नाल जोड़न दी ते एक सुरता दे नाल बगैर जात पात तों बगैर भिन्न भेद तों सारिआं नूं एक समते जाण के ये पवित्र सिधांत इस धरती ते उजागर कीता। गुरु पंजम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत तों बाद सिख पंथ दे महान उस पर उपकारी जिन्हां ने गुरु साहिबानां नूं आप टिक्के दित्ते धन धन बाबा बुढ़ा जी ने श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं दो श्री सभा बन के मीरी ते पीरी दा सिधांत जिहड़ा ओह बख्शिश कीता साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने। इस स्थान ते सतगुरां ने सिखां नूं उदेश भी कीता कि वधिया तो वधिया हथियार वधिया तो वधिया घोड़े ते इस स्थान ते आ के भेट भी करने ते सतगुरु जी ने पवित्र श्री अकाल तख्त साहब की रचना करके उस वेले दे जिहड़े राजे सी उन्हां नूं ये राज सत्ता कायम करन लई चुनौती नहीं दित्ती, पर जिहड़े वो कार्ज करदे सी जातां पातां विच वंडण दा गरीब गुरबे नूं लताड़न दा ते सतगुरु जी ने फिर मीरी ते पीरी ये पातशाही ते बादशाही ये सानूं पवित्र सिधांत बख्शिश कीता। सो गुरु साहब जी ने गुरु नानक देव पातशाह जी के उस पवित्र सिधांत सरबत के भले को 52 उत्थों के जिहड़े राजे जिहड़े मानसिक तौर पर और शरीरक तौर पर बहुत निर्मल हो चुके सी क्योंकि वो जेल ऐसी सी उत्थे तसीहे भी दिते जांदे सी खाण नूं भी कई बार घटिया दिता जांदा सी, सतगुरु जी ने उन्हां नूं भी नाल बंदी छोड़ इसे करके सतगुरु जी ने यह दिवस नूं समर्पित सारा सिख पंथ देश ते विदेश दे विच भावें इत्थे नहीं भी आ सकते वो सारे बढ़ चढ़ के मनाउंदे आ। सारी कौम नूं बहुत बहुत बधाई दिना, एक बेनती भी करदा कि आपां कुछ पुरातन अपनियां रवायतां भी सांभ के रखीए, जिले कोई दुश्मन सिख पंथ का बनता तो इकट्ठे हो जाते सिख, अज भी अजोका समा आ इकट्ठे होइए एक सुरता दे विच उन्हां ताकतां दा टाकरा करिए जिहड़ियां ताकतां अज सिख पंथ नूं ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कमज़ोर कर जा रही। सो गुरु साहब कृपा करन बख्शिश करन ये नानकशाही कैलेंडर जदों श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते इहनूं जारी कीता सी ते मैं देखदा कई बारी सानूं अवेसलेपन दे विच ही वो पिंडों आउंदा सी किथे नूं चलां अमृतसर चलां दिवाली मनाउण। ये एक्चुअली दिवाली भावें दूसरे फिरके का यह त्यौहार आ जी याद के सत्कार भी करते हैं, पर सिखां दा यह बंदी छोड़ दिवस आ। अज कौम जिहड़ी आ अपने त्यौहारां तों चाहे आपां दशहरा होवे चाहे दिवाली होवे इहनूं दशहरे नूं खालसा दरबार के रूप दे विच ते दिवाली का यह त्यौहार जिहड़ा क्योंकि सिखां लई यह बंदी छोड़ दिवस वजों मनाया जांदा। सो गुरु साहब कृपा करन सारी कौम श्री अकाल तख्त साहब जी दे इस पवित्र सिधांत दे थले एकत्र हो के आपां उन्हां दा निशानदेही भी करिए जिहड़े अज सिख पंथ नूं नुकसान पहुँचाउणा चाहुंदे आ। सो सारिआं नूं एक बारी फिर दिल दीआं डगिआईआं तों बहुत बहुत वधाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।